भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध वास्तुकार रतनलाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य वक्ता के रूप में हिमाचल शिक्षा समिति अध्यक्ष मोहन केष्टा और कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त तहसीलदार सुखराम उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। उसके उपरांत मुख्य अतिथि को स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य योगराज शर्मा द्वारा टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उसके उपरांत छात्राओं द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। प्रधानाचार्य योगराज शर्मा द्वारा स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर सुनाई और स्कूल में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में अवगत करवाया। योगराज शर्मा ने कहा कि शिक्षा गुणवत्ता के साथ नैतिक शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सूचना प्रसारण खेल एवं युवा सेवा मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा पाठशाला के लिए स्मार्ट क्लासरूम, शौचालय और पानी की व्यवस्था में योगदान रहा है। उसके उपरांत मुख्य वक्ता मोहन केष्टा ने किस प्रकार सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल किस प्रकार संस्कार युक्त शिक्षा दे रहे हैं, इसकी झलक मंगलवार को वार्षिक उत्सव से पता चलती है। विद्या भारती पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं, लगभग 25,000 संस्थान इनके चले हुए हैं। विद्या भारती का उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार हों जो धार्मिक, संस्कार युक्त और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण विकसित हों और मानसिक रूप से मजबूत हों। इसके बाद शिशु वाटिका के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। छात्राओं द्वारा सुंदर राजस्थानी प्रस्तुति दी गई। 9वीं और 10वीं कक्षा की छात्राओं द्वारा सुंदर पहाड़ी नाट्य प्रस्तुत की। अंशुल और उसके साथियों द्वारा योगा की प्रस्तुति दी गई। उसके उपरांत मेधावी बच्चों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रथम, दूसरे और तृतीय स्थान पर आए विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि वास्तुकार रतनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन स्टाफ को वार्षिक उत्सव की बधाई दी। उन्होंने कहा कि विद्या भारती द्वारा शुरू सरस्वती विद्या मंदिर से शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की शिक्षा और गुणवत्ता में अपनी अलग पहचान है। मानसिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। अध्यापक और माता पिता द्वारा दिए संस्कार ही भविष्य तय करते हैं। वास्तुकार होने के नाते नए निर्माण करना हमारा कर्म है और सरस्वती विद्या मंदिर भी एक बहुत बड़ा शिल्प कला का केंद्र है, जिसे हर दिन नए वास्तुकार निकलते हैं, वो चाहे संस्कार के रूप में हो या समाज निर्माण में हो। उन्होंने इस अवसर पर सफल आयोजन की बधाई दी। कार्यक्रम के अध्यक्ष सुखराम ने आए सभी अतिथियों का कार्यक्रम में आने पर धन्यवाद किया। इस मौके पर तारा चंद धीमान, प्रेम सागर, अजय, विवेक भारती, राजेंद्र प्रसाद, अध्यापकों में नीलम, लीला देवी, सरोज सहित सभी अभिभावक उपस्थित रहे। बिलासपुर से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।